हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुशांत कुमार फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने। दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है SSGT का जॉइनिंग के टाइम में मेडिकल टेस्ट में दोबारा क्या क्या टेस्ट होने वाला है, क्योंकि मैं रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था, उसके नीचे बहुत सारा भाई ने कमेंट करके पूछे हैं कि भाई मेरा फाइल्स का प्रॉब्लम है, उधर कोई दिक्कत होगा कि नहीं। कोई पूछ रहा है कि मेरा स्क्रीन का प्रॉब्लम है, कोई पूछ रहा है कि भाई मेरा डिस्टेंस विजन का प्रॉब्लम है, कोई पूछ रहा है कि भाई नॉकनी का प्रॉब्लम है। तो मेरे को ये टॉपिक इंपॉर्टेंट लगा, मैंने सोचा कि इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया जाए और आप लोग का जो डाउट है उसको क्लियर कर दिया जाए। चलिए दोस्तों, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों इतना कहूंगा, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका हाइट, वेट और चेस्ट, ये तीनों चीज आपका नापा जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट में मेंशन रहेगा, और आपका शरीर में कितना निशान है, कितना मोल है, क्या है, वो सब आपका मतलब आपका वहां पे देख के आपका डॉक्यूमेंट में उसको मेंशन करेंगे दोस्तों। इसलिए कि देखिए दोस्तों, आपका अगर ओवरवेट निकलता है, अंडरवेट निकलता है, आपको कोई रिजेक्शन कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपका आगे जाके आपका जो ट्रेनिंग का शेड्यूल है और आपका डाइट इतना मतलब मेंटेन रहेगा, आपका वेट जैसा भी है वहाँ पे सब मैनेज हो जाएगा, ओवर अंडर सब मैनेज हो जाएगा। ये दोस्तों इसलिए नापते हैं और मेंशन करते हैं कि देखिए, अगर आपके साथ आगे जाके कोई ड्यूटी के दौरान अनहोनी होता है, मान लीजिए गोली आके आपका फेस में लग गया, आपका फेस बिल्कुल बिगड़ गया, तो जैसे देखिए जितना भी फौज होते हैं सबका मतलब शरीर एक जैसा होता है, तो आपका शरीर से पहचानना मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए एक मतलब एक दिन में दो लोग का इंसिडेंट हो गया, तो वहाँ पे किसका बॉडी कौन सा है पहचानने में मुश्किल हो जाएगा। और आपका शरीर का जो पहले से कितना निशान है, कितना ब्लैक मोल है, और आपका मतलब जो इसका चौड़ा कितना है, हाइट कितना है, वो पहले से आपका डॉक्यूमेंट में मेंशन रहेगा, तो वहाँ पे आपको मतलब बॉडी को रिकॉग्नाइज करने के लिए आसान हो जाएगा दोस्तों। ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका मतलब इसका कारण दोस्तों यही है। उसका आगे देखिए दोस्तों, आपका ब्लड ग्रुप का टेस्ट होगा दोस्तों। ब्लड ग्रुप का टेस्ट इसलिए होता है कि ऐसे ही कुछ इंसिडेंट होता है तो आप तुरंत ही किसको जाके ब्लड दे सकते हैं, नहीं तो फिर किसी का ब्लड आपको जरूरत पड़े तो आपको मिल सकता है, नहीं तो फिर दोस्तों आपका इंसिडेंट हो गया तो आपका ब्लड ग्रुप से भी आपका बॉडी का पहचान हो जाएगा। देखिए दोस्तों, थर्ड में आपका ये टेस्ट होने वाला है आपका कलर ब्लाइंडनेस। तो सबसे ज्यादा ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक फौजी के लिए जो कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको मतलब जंगल में ऑपरेशन करना होता है। आज आपको तो पता होगा आजकल दोस्तों कैसे मतलब जो दुश्मन है कैसे छुप के बैठते हैं, पूरा जैसे वहां पे पेड़ होगा, जैसे वहां पहाड़ी होगा, उसके जैसा कैमोफ्लेज बनके वहां पे छुप के रहते हैं। तो अगर उसके बाद आप लोग का मतलब जिसका सही आंख है उसको मतलब पहचान में ढूंढने में मतलब उसको पहचान में दिक्कत हो जाता है, तो अगर आपका उसके बाद आपका कलर ब्लाइंडनेस का दिक्कत होगा तो आपको तो मतलब वहां पे बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए दोस्तों जिसका कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है उसको सीरियसली देखा जाता है और उसको छांटा ही जाता है। हम लोग जब ज्वाइन किए थे हमारा टाइम में ऐसे ही दोस्तों दो चार लड़के का ऐसा ही हुआ था, तो उनका टेस्ट उधर हमारा मतलब ज्वाइनिंग टाइम में हुआ, फिर उसके बाद उधर प्रॉब्लम निकला तो उस रिपोर्ट को दिल्ली भेजा गया। तो दिल्ली से दोस्तों रिपोर्ट आते आते ट्रेनिंग एक से लेकर डेढ़ महीना तक हो गया था दोस्तों। डेढ़ महीने ट्रेनिंग करने के बाद उन लोग को फिर घर भेजा गया था, तो इसी टेंशन में एक लड़के ने सुसाइड भी अटेंड कर दिया था दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपका टेस्ट सिर्फ इतना ही होने वाला है, और इसके बाद आपका अगर कोई बड़ा सा प्रॉब्लम है, अगर आप उसको छुपाते हैं तो उधर टेस्ट नहीं होने वाला है, लेकिन आप आगे जाके फंसने वाले हो, क्योंकि आपका ट्रेनिंग पता है आपको हार्ड होने वाला है, तो अगर किसी का दिक्कत होगा तो वो ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा। तो सर, ट्रेनिंग का सिस्टम ऐसा है कि आपको मतलब हाईएस्ट ट्रेनिंग में 21 दिन तक छूट मिलता है। 21 दिन के बाद अगर आपका एक दो दिन होता है तो फिर आपका ट्रेनिंग एक सप्ताह बढ़ाते हैं, फिर आपका एक महीना नहीं तो फिर 3 महीना ऐसे बढ़ाते हैं। उसके बाद अगर ट्रेनिंग आप नहीं कर पाते हैं तो आपको फिर डायरेक्ट घर भेज देते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसके बाद आपका कोई टेस्ट नहीं होने वाला है, जैसा कि बताया, अगर आपका कोई दिक्कत होगा तो आप खुद ही ट्रेनिंग से छूट जाओगे, तो आपका कुछ भी टेस्ट नहीं होने वाला है। आप एक बार मेडिकल फिट हो गए दोस्तों, तो बेफिक्र रहिए, आपका ट्रेनिंग के लिए आप प्रिपेयर हुए। आपका जो दोस्तों देखिए, अभी जो कुछ दिन का गैप है उसके अंदर आप घर में बिल्कुल बेड मत जाइए, कुछ भी छोटा सा एक्सरसाइज करते रहिए, क्योंकि आपको ट्रेनिंग में वहाँ पे जो फिजिकल वर्कआउट होगा तो आपको वहाँ पे मतलब दिक्कत नहीं होगा, आपका मतलब बॉडी का वो हैबिचुअल बन के रहेगा। दोस्तों वीडियो आज के लिए इतना ही था, और आपको और कुछ चीज़ का जानकारी चाहिए तो बिल्कुल नीचे कमेंट करना, ऐसा ही एक वीडियो बना दूंगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए यहाँ तक धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।